नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने बजट में बहुत सारी चीज़ें सुनी और अश्विनी वैष्णव सर का इंटरव्यू भी हुआ और अश्विनी वैष्णव सर ने मोहर लगा दी कि वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर जैसी ट्रेनें जो हैं वो अपने टाइम पर आने वाली हैं, मतलब मार्च में, और मार्च एंड तक हम लोगों को वंदे स्लीपर का पहला प्रोटोटाइप देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी रेलवे ऑफिशियल्स का कुछ बयान भी आया है मीडिया में कल ही, और अश्विनी वैष्णव सर भी अब एग्रेसिवली मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात कर रहे हैं इन ट्रेनों के बारे में। तो कुछ बात निकल के आई है कि BEML और ICF मिलकर के जो 10 वंदे भारत स्लीपर बना रहे हैं, जिनको हम पहले ट्रेन 20 कहा करते थे, लगभग 4 साल प्रोजेक्ट ये लेट भी है, लेकिन हाँ अब ये ट्रेन आ रही है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये ट्रेन जो है मार्च एंड तक आ सकती है, जैसे कि BEML के प्रमुख शांतनु जी ने बताया भी है। लेकिन रेलवे ऑफिशियल्स का अभी कहना यह है कि अप्रैल में हम लोगों ने इसकी लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं कि इन ट्रेनों का ट्रायल शुरू होगा और स्पीड रिलेटेड ट्रायल होंगे ये, और यहां पर सभी वही प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे जो तब फॉलो किए गए थे जब हमारे भारत की पहली चेयर कार ट्रेन सेट वंदे भारत एक्सप्रेस आई थी 2018 के एंड में, और यहां पर इसी तरीके से ये स्पीड ट्रायल होंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट ही होंगे, क्योंकि यहीं पर मिशन रफ्तार के जरिए काम चल रहा है और सबसे पहले ये दिल्ली मुंबई रूट पर ही लॉन्च होगी जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ पर अगर रेलवे टाइम पर काम पूरा कर लेगा मिशन रफ्तार का, तो हम लोगों को फुल फ्लैज 160 KMPH की स्पीड पर ही पूरे इंटायर रूट में चलती दिख सकती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि रेलवे इतना काम तो जरूर कर लेगा मार्च और अप्रैल तक इस मुंबई दिल्ली सेक्शन में, कुछ कुछ किलोमीटर के सेक्शंस में 160 KMPH पर ये ट्रेन जरूर चले जब भी ये यहाँ पे लॉन्च होगी, तो इतना हम लोग जरूर रेलवे से एक्सपेक्ट करेंगे। तो देखते हैं कब क्या होता है। दोस्तों, अभी LHB कोचेस के ऊपर भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। हमारे पुराने ICF कोचेस किस तरीके से LHBified हो रहे हैं आप लोग जानते ही हैं। तो एक डाटा निकल करके आया है, हमारे देश की बड़ी बड़ी प्रोडक्शन यूनिट्स जो कि LHB कोचेस बना रही हैं, ICF चेन्नई, RCF कपूरथला, MCF रायबरेली, इन सभी ने बहुत अच्छा काम किया LHB कोचेस को बनाने का। 2015 से लेकर अभी तक डाटा निकल के आया है कि 23,000 कोचेस जो कि ICF थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है LHB कोचेस के साथ में। अगर ये काम हुआ है तो कहीं ना कहीं इन सालों के अंदर हमारी नॉर्मल ICF ट्रेनें जो थी वो LHBified तो हुई होंगी। तो यही कारण है तेरी से आप लोगों को डेली LHBified ट्रेन होती दिख रहा होगा। अगर आप लोगों की कोई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन जो कि अभी अभी हाल ही में LHBified भी हो गई है, आप लोग चाहते थे बहुत टाइम से कि कुछ हमारी ट्रेन भी ऐसी हो जो कि पहले ICF थी 110 पे चल पाती थी उन रूट पे भी जहाँ पर 130 मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अलाउड है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर चाहकर भी इतना स्पीड नहीं गेन कर पाती थी, और अब वो कर पा रही हैं 130 KMPH। भले ही वो एक्सप्रेस ट्रेन है या मेल ट्रेन है, आप लोग उसमें बैठते हैं, आपकी पुरानी यादें जुड़ी हैं उस ट्रेन से, तो उस ट्रेन में इतना बदलाव अगर आया है तो ज़रूर से अपना एक्सपीरियंस बताना। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा किस तरीके से हमारे नए LHB कोचेस जुड़ रहे हैं, ICF रिप्लेस हो रहे हैं, और साथ में अभी एक नई न्यूज़ जो आई है कि अब पुराने LHB कोचेस भी जो हैं वो वंदे भारत के स्टैंडर्ड में बदल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि राजधानी ट्रेन जो कि अपनी एक पहचान अब खो चुकी थी, अब वो पहचान उनकी वापस आ चुकी है जब से वो तेजस राजधानी बन गई है, तेजस कोचेस के साथ में, जो कि पूरी तरीके से वंदे भारत स्टैंडर्ड के कोचेस होते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारे जो नए कोचेस हैं वो भी अब बदलेंगे वंदे भारत स्टैंडर्ड में। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो भी लगभग 15,000 करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट हो चुके हैं, अगले 5 साल का टाइम भी मांगा गया है इस पूरे कन्वर्जन के लिए। तो उसके बारे में भी जानकारी आपको देता रहूंगा कैसे कैसे कन्वर्जन हो रहा है और कौन कौन सी इन कोचेस से नई ट्रेन लॉन्च हो सकती है भविष्य में, उसके बारे में भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय।